ये हमने गैस ऑन करके और इस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था और इसमें करीब मैंने 200 ग्राम ये रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और ये अच्छी तरीके से अब गर्म हो गया है। अब इसे ज़्यादा ठंडा नहीं रखना है और आपको ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है इसको। आप ये देखिए, जब इसमें से हल्का हल्का धुआं आने लगे तो समझ लीजिए हमारा ये तेल गर्म हो गया है। और हमें किस तरीके से ये प्याज डालना है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसे हमें हल्के हाथों से इसको इस तरीके से, जो मोटे मोटे टुकड़े होते हैं ये बिल्कुल टूट जाने चाहिए, मिल जाने चाहिए। ये देखिए, अब इसे एक एक मुट्ठी भर के आपको लेने हैं इस तरीके से। बस इसे ज़्यादा नहीं, एक दफ़ा नहीं डालना है, ये थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे सिर्फ एक जो हमारी मुट्ठी में आए, बस इतना इतना ही हमें इसमें कोल में छोड़ना है। इसे हमें इस तरीके से आराम आराम से इसको एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से हमें फ्राई करते जाना है। ये देखिए आप, अगर आपका प्याज एक जैसा बारीक कटा होगा तो ये बहुत ही अच्छा फ्राई होकर तैयार होता है, कलर भी इसका अच्छा आएगा। कभी ऐसा होता है ये कुछ प्याज हमारे वाइट रह जाते हैं और कुछ जो है वो ब्राउन हो जाते हैं। इसमें सर आपके बिल्कुल एक जैसे ये सब फ्राई होकर तैयार होंगे। ये देखिए, आप इसको हाई फ्लेम पे ही रखें। अगर आपका तेल ज़्यादा गर्म हो गया है तो थोड़ा आप मीडियम कर दें। मैंने अभी इसको हाई फ्लेम पे रखा हुआ है, लेकिन आपको इसके सामने ही खड़े रहना है और इसको हाथों से इस तरीके से, यानी कि इसको हिलाते रहना है, छोड़ना नहीं है इसको। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आधा ये जल जाएगा और आधा कच्चा रह जाएगा। देखें आप इस तरीके से आप इसको ब्राउन कर लें, आपके 1-1.5 मिनट में ये ब्राउन हो जाएंगे, जितना हमें चाहिए है उतना हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी हमारा लास्ट अनियन रह गया है, अब हम इसको डाल देते हैं और हम इसको इस तरह हमने पहले ही अनियन फ्राई किया था, अब इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। ये देखिए, हमें इस वाली को भी 5 या 6 मिनट लगे थे फ्राई करने में, अब इसको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। इस सारे को हम करके फिर हम आपको दिखाते हैं, इसी तरीके से आपको सारे अनियन फ्राई कर लेने हैं। ये देखें, अब ये हमारे सारे अनियन फ्राई हो गए हैं। ये भी हमारे जो था हमने लास्ट में डाला था, ये भी अच्छी तरीके से ब्राउन हो गया है और हमें इतना ही रखना है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हम इसको और फ्राई करेंगे तो ये काला हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा तेल है हम इसको दूसरी चम्मच से किसी और भी चीज़ से इसको निकाल लेंगे। ये देखें, क्योंकि हम निकालते निकालते भी जो बाकी का इसमें अनियन होता है वो जल जलने लगता है, इसलिए गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, क्योंकि हमें निकालने में टाइम भी लगेगा इसमें। और ये हमारा 10-12 मिनट लगे थे मुझे, ये मैंने सारे अनियन को फ्राई कर लिया है। ये देखो, ये हमारा ये सारा अनियन फ्राई हो गया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए, ये देखें, ये हमने अनियन जो हमने फ्राई किया था ये सब रेडी है, ये हमने सबको फ्राई कर लिया था, इसे ठंडा भी हो गया है। ये देखिए काफ़ी क्रिस्पी है ये। ये देखिए आप इस तरीके से इसको यूँ, ये देखिए कितनी ज़्यादा ये इसको ये चूरा हो रहा है। ये देखिए, ये हमारा इसी तरीके से होना चाहिए, कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है इसमें। ये देखें आप इसको बना के रख सकते हैं 20 से 25 दिन, उससे ज़्यादा भी एयरटाइट डब्बे में रख लें आप, या किसी ऐसे पॉलीथीन में रखें जिसमें हवा ना लगे, और इसको आप 1 महीने तक इस किसी भी सालन हो या कोई ऐसी सब्जी हो आप इसको थोड़ा थोड़ा निकाल के यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान होता है, पहले आप इसको रख लें इंतज़ाम करके, फिर हमारी सब्जी या सालन कुछ भी बहुत जल्दी से बन जाता है।